हेलो यूट्यूब, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब वर्ज दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एसके हैंडीक्राफ्ट में। एसके हैंडीक्राफ्ट वेलकम्स टू द ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग माय चैनल एंड दोस्त हु आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। दोस्तों, बेल आइकन प्रेस करना जरूरी होता है जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, शहर सहारनपुर है और सहारनपुर अपने वुडन हैंडीक्राफ्ट के लिए काफी फेमस है। और आज का हमारा बहुत ही खूबसूरत और प्यारा प्रोडक्ट है। जी हाँ दोस्तों, आज का प्रोडक्ट है दिल वाला सोफ़ा। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल वाला सोफ़ा बहुत ही एंटिक पीसेस के अंदर गिना जाता है और ये शहर सहारनपुर है। दोस्तों, सहारनपुर अपने वुडन हैंडीक्राफ्ट के लिए काफ़ी फेमस है। वर्ल्ड फेमस प्लेस सहारनपुर, जो कि फर्नीचर के लिए जाना जाता है। आज हम आपको दिखा रहे हैं ये दिल वाला सोफ़ा। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सोफ़ा है जो कि बना है शीशम वुड के अंदर। जी हाँ दोस्तों, शीशम वुड का बना हुआ सोफ़ा है। रेड रोज वुड भी बोलते हैं। वर्कमैनशिप आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा काम हाथ से किया हुआ काम है इसके अंदर। और मैं इसके बताना चाहूँगा आपको कि जो सीट बनी हुई है, इसकी सीट की लेंथ इनसाइड अराउंड 5 फीट है एंड आउटसाइड जो है अराउंड 6 फीट है। ये फ्रंट में इसके 4 लेग्स हैं एंड वर्कमैनशिप आप देख सकते हैं, साइड लेग्स में भी वर्कमैनशिप है और फ्रंट लेग में भी वर्कमैनशिप होती है। हैवी स्ट्रॉन्ग स्टफ़ है, 50 डेंसिटी का कुशन यूज़ किया गया है इसके अंदर एंड हार्ड स्टफ़ होता है, लॉन्ग लाइफ रहता है और काफ़ी मजबूत और अच्छा हैवी स्टफ़ बना हुआ होता है। एंड अपोस्ट्री वर्क भी बहुत अच्छा यूज़ किया गया है इसके अंदर एंड कुशन डेंसिटी, जो कि बताया मैंने अभी आपको 50 डेंसिटी का कुशन होता है, तो डेंसिटी जो है डिपेंड करती है क्वालिटी के लिए। जितनी अच्छी डेंसिटी रहेगी उतनी लॉन्ग लास्ट उसकी कुशन की लाइफ होगी, उतना ज़्यादा आपका सोफ़ा जो है लाइफ टाइम के लिए चलेगा। उसको आप उतना ही ज़्यादा रफ यूज़ कर सकते हैं। लो डेंसिटी होने की वजह से उसके अंदर सॉफ्टनेस होती है और कुछ टाइम के बाद जो है कुशन आपका दब जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक और सोफ़ा तैयार हो रहा है, ये भी दिल वाला सोफ़ा है। इसमें जो है कुशन जो है 2 पार्ट्स के अंदर बनाया गया है, फोल्डिंग कुशन बनाए गए हैं इसके लिए। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट ये भी बनाया गया है। आप हमारे कुशन मैन देख सकते हैं कि एक एक पीस को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। इट्स नॉट अ इजी वर्क, इट विल टेक लिट टाइम टू मैन्युफैक्चर। इसको बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है सोफ़े सेट को। और इसका जो स्केलेटन है वो भी काफ़ी अच्छा और खूबसूरत बना हुआ है। आप देख सकते हैं लुकिंग वाइज, ये जो प्रोडक्ट आपको दिखाया जा रहा है ये एसके हैंडीक्राफ्ट की तरफ से दिखाया जा रहा है। और रही बात अपोस्ट्री वर्क की, जो कुशन का जो कलर है या डिज़ाइन है वो कस्टमर की डिमांड के ऊपर रहता है। जैसा आपको चाहिए उस हिसाब से ये अपोस्ट्री वर्क चेंज हो जाता है उसका। दोस्तों तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा पीस रेड रोजवुड यानी कि शीशम की लकड़ी में बना हुआ पीस है, जो कि हमेशा से ही तैयार होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इसका छोटा सिंगल पीस है सोफे सेट का। इसमें 1 3 सीटर प्लस 2 सिंगल सीटर होते हैं और सेम वर्कमैनशिप होती है। हार्ट शेप में ये होते हैं, हार्ट शेप का भी पीस बना हुआ होता है और वर्कमैनशिप पूरी हाथ से की जाती है। लकड़ी की मजबूती और थिकनेस काफ़ी अच्छी होती है और शीशम होने की वजह से ये लॉन्ग लास्ट होता है। एंड जो कुशन है, जो मैंने भी आपको बताया है, डिटैचेबल है, 2 पार्ट्स में होता है। ये अभी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ऊपर 4 इंच का जो कुशन रखा जाएगा वो भी इसी अपोस्ट्री वर्क के हिसाब से बना करके रखा जाएगा, तो वो डिटैचेबल कुशन हो सकता है। आप उसको अलग अलग भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कस्टमर की नीड के हिसाब से कि कस्टमर को किस टाइप का कुशन चाहिए। और अभी फाइनल पॉलिशिंग फिनिशिंग वो सब कंप्लीट करना बाकी है, क्योंकि कुशन के फिनिशिंग वो टचअप दिया जाता है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हम आपके लिए हमेशा से रेगुलरली न्यू से न्यू प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो अपलोड करते आ रहे हैं। मेरे पास काफ़ी लोगों के फ़ोन भी आते हैं एंड मैसेज भी आते हैं कि सर आप जो है वीडियोस बना रहे हैं, हमें अच्छी से अच्छी वीडियोस देखने को मिल रही हैं। थैंक यू ऑल द व्यूअर्स जो आप हमारे लिए इतना केयर कर रहे हैं कि आप हमारी वीडियो देख करके हमें मैसेज भी कर रहे हैं, फ़ोन भी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर ऑल द व्यूअर्स। दोस्तों मैं चाहता हूं कि मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली दिखाऊं कि प्रोडक्ट किस तरीके से तैयार होता है, उसका क्या प्रोसीजर होता है तैयार होने का। दैट यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो, आपको भी जानकारी होनी चाहिए
कि प्रोडक्ट कैसे तैयार किया जा रहा है। अभी जो ये क्वेश्चन किया जा रहा है, ये बैक पोर्शन क्वेश्चन किया जा रहा है, लास्ट में इसके सीट का क्वेश्चन किया जाता है। और जो ये हम सोफा बना रहे हैं, ये प्लाईबोर्ड के ऊपर बना हुआ है, 12 mm का प्लाईबोर्ड इसके ऊपर रखा जाता है, इसके ऊपर फॉर्म की लेयर करके उसको कवर किया जाता है। देन उसके बाद एक्स्ट्रा 4 inches का जो क्वेश्चन होता है, जिसके भी हम आपको डेंसिटी बता रहे थे 50 डेंसिटी, वो इसके ऊपर अलग से क्लोथ इसके ऊपर कुशन वर्क करके वो रखा जाता है, तब जा करके ये सोफा तैयार होता है। आप देख सकते हैं बैक साइड से भी इसके अंदर कंप्लीट वुड लगा हुआ होता है। सो फ्रेंड, मजबूती की अगर बात करें तो लॉन्ग लास्ट है सोफा, काफ़ी अच्छा और काफ़ी मजबूत एंड हैवी सोफा सेट होता है। आप इसको रफ यूज़ के भी करेंगे तो भी नो इशू, कोई इशू नहीं होता, क्योंकि हैवी स्टफ होने की वजह से लॉन्ग लास्ट भी रहता है ये। सो फ्रेंड, यू शुड टेक द फैब्रिक का आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है। जो इसमें पॉजिटिव वर्क लगा हुआ होता है वो कट भी सकता है, फट भी सकता है, तो दैट इज द मेन थिंग। आपको थोड़ा सा उसका पॉजिटिव वर्क का जो है थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा। और यू शुड गो फॉर सम कवर ऑल्सो, इट्स अवेलेबल इन मार्केट। आप मार्केट के अंदर इसके लिए कवर अवेलेबल होते हैं, आप वो कवर यूज करके आप उसको थोड़ी सी पॉजिटिव वर्क की सेफ्टी कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, फर्नीचर में सबसे पहले वुड जो है उसकी वैल्यू होती है, एंड सेकंड नंबर में जो उसके ऊपर फैब्रिक लगाया जाता है उसकी वैल्यू होती है। और फैब्रिक के साथ साथ वुड एंड इनसाइड में जो प्रोडक्ट यूज़ किया जा रहा है उसकी भी वैल्यू होती है। कुशन की वैल्यू की जाती है कि कुशन की डेंसिटी कितनी है, फैब्रिक कैसा है, और ऑल ओवर मिला के पूरा का पूरा देखा जाता है कि सब चीज़ की वैल्यू एंड क्वालिटी किस टाइप की है। सो अगर आपका इनसाइड का मटेरियल जो भी यूज़ किया जाता है उसके अंदर अगर उसकी डेंसिटी कम होगी, फॉर्म की डेंसिटी कम होगी, एंड जो उसके अंदर कुशन यूज़ किया जा रहा है उसकी पावर कम होगी, तो डेफिनेटली आपका सोफ़ा जो है कुछ टाइम के बाद जो है बहुत लूज़ हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। सो आपको जो है उसका कुशन जो है फिर वो चेंज करना पड़ेगा। सो उससे बेहतर है कि आप अच्छी क्वालिटी के लिए जाएं। सो आप डेफिनेटली एसके हैंडीक्राफ्ट से कांटेक्ट कीजिए फॉर द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द फर्नीचर एंड कुशन वर्क आल्सो। सो यू कैन सी 50 डेंसिटी का जब इसके ऊपर कुशन वर्क के साथ रखा जाएगा तो आप देख सकते हैं उसकी लाइफ टाइम जो है वो बढ़ जाएगी और काफ़ी अच्छा और लॉन्ग टर्म तक वो चलने के लिए तैयार रहेगा। ये जो कुशन तैयार किया जा रहा है आपके सामने हैं, इसके अंदर स्टिचेस वगैरह कंप्लीट करके और बहुत ही एलिगेंट लुक आने वाला है इस सोफे का। तो दोस्तों, उम्मीद है जो हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए आपको डेफिनेटली पसंद आ रही होगी। आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि पॉलिशिंग फाइनल फिनिशिंग जो की जा रही है वो कम प्रेशर से की जा रही है और बहुत ही एलिगेंट लुक जो निकल कर आया है सोफे सेट का वो आप देख सकते हैं। स्टिल इट्स नॉट रेडी, जो लुक है वो डिफरेंट और बहुत ही खूबसूरत है। आप लेग्स देख सकते हैं, आप इसके फ्रंट वर्क देख सकते हैं, पॉलिशिंग देख सकते हैं, कार्विंग वर्क देख सकते हैं। तो रियली इट्स अ एलिगेंट पीस एंड द फाइनल कुशन हैज़ टू बी पुट ऑन द दिस सीट। इसके ऊपर अभी कुशन जो इसका बाकी है वो रखना बाकी है, उसके बाद ये सोफ़ा कंप्लीट हो जाएगा। एंड जो आपको बताने का था, जो इसमें फैब्रिक यूज़ किया गया है वो स्वीट यूज़ किया गया है। स्वीट बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत लुक देता है सोफ़ा सेट को। आप देख सकते हैं इवन बैक साइड में, फ्रंट में, साइड में, ऑल द पोर्शन सेम टाइप का ही फैब्रिक यूज़ किया जाता है, जिससे कि इफ़ यू कीप इन द हॉल, हॉल के बीच में भी अगर आप सेंटर में रखते हैं तो वो इट्स नॉट लुक बैड। सो बहुत खराब नहीं लगे इसके लिए जो है पीछे आगे ऑल द साइड्स ऑफ सोफा सेट जहाँ पे भी ये फैब्रिक यूज़ किया जा सकता है सेम फैब्रिक यूज़ किया जाता है। एंड दिस इज़ द स्मॉल सीट ऑफ द सोफा सेट, ये भी सेम पैटर्न से बनाई जाती है, सेम प्रोसीजर रहता है और एवरीथिंग शुड बी सेम। नाइस सुपर्ब एलिगेंट पीस आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए प्रोडक्ट के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारी वीडियो को देखते रहिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।